गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आज ईद का पर्व श्रद्धा एवं विश्वास के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से बरकत तथा अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज अदा के दौरान स्थानीय पुलिस भी पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को ईद पर्व की बधाई दी और इस पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील भी की। वहीं इमामगंज डीएसपी मनोज राव ने एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद का त्यौहार हमें भाईचारे का संदेश देता है, जिससे मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है। वहीं ईद के पर्व को लेकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही सख्त थी। हर मस्जिद के पास जिला पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई, ताकि कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। इधर इमामगंज क्षेत्र में ईद पर्व को लेकर इमामगंज पुलिस डीएसपी मनोज लगातार गश्ती अभियान चला रहे हैं। ईद के पर्व को लेकर लोग एक दूसरे को गले मिलकर एवं हाथ मिलाकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। ईद के पर्व को लेकर पूरा क्षेत्र खुशियों से भरा है। कुछ लोग एक दूसरे को घर जाकर ईद की बधाई दे रहे हैं, तो कोई लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।